भोपाल संत श्री गाडगे बाबा रजक समाज सेवा संघ के तत्वावधान में आयोजित रजक समाज का 15वां प्रांतीय युवक युवती का परिचय सम्मेलन का आयोजन मानस भवन भोपाल में आयोजित किया। परिचय सम्मेलन की अध्यक्षता श्री कमलेश मालवीय एवं समिति अध्यक्ष आरएल भार के द्वारा की गई। मंच का संचालन माधव मालवीय एवं कार्यक्रम प्रभारी लालचंद भार के प्रेम कुमार मालवीय। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि लखनऊ के पीठाधीश्वर अशोक जी महाराज उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विश्वास कैलाश सारंग कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं पीसी शर्मा पूर्व मंत्री एवं विधायक दक्षिण पश्चिम भोपाल मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन समिति के अध्यक्ष एवं पीठाधीश्वर अशोक जी महाराज द्वारा किया गया। इस अवसर पर युवक युवती के बायोडेटा पर आधारित स्मारिका का विमोचन मंत्री विश्वास कैलाश सारंग द्वारा एवं पीसी शर्मा द्वारा किया गया। परिचय सम्मेलन में पूर्व से लगभग 160 पंजीयन हुए एवं आज ही के दिन 200 युवक युवतियों ने पंजीयन करवाया और मंच पर आकर अपना परिचय दिया। युवतियों ने अपना जीवन साथी की पहली पसंद सच्चरित्र कमाओ जीवन साथी की बात कही। वही युवकों ने पढ़ी लिखी सुंदर सुशील घर परिवार को साथ लेकर चलने वाली को जीवन संगनी बनाए जाने की बात कही। इस प्रांतीय कार्यक्रम में अन्य प्रांतों के युवक युवतियों ने भी भाग लिया। मंच संचालन डॉक्टर अर्चना भारती एवं सुश्री वैशाली मालवीय द्वारा किया। कार्यक्रम के अंत में आभार समिति उपाध्यक्ष श्रीमती कौशल्या रजक पूर्व पार्षद एवं राजू मालवीय द्वारा किया गया। कार्यक्रम में लगभग 350 युवक युवतियों ने भाग लिया। मैं लालचंद भारके एडवोकेट रजक समाज परिचय सम्मेलन कार्यक्रम प्रभारी। आज मध्य प्रदेश स्तर का रजक समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन भोपाल के मानस भवन में आयोजित हो रहा है। हमारे द्वारा एक स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है जिसमें युवक युवतियों के पूर्व से पंजीयन किए गए हैं। लगभग 154 पंजीयन हमारे पास आ चुके हैं और आज 200 के पंजीयन लगभग आने की संभावना है। कहाँ कहाँ से युवक युवती हैं? हमारे मध्य प्रदेश में ही नहीं, मध्य प्रदेश के अन्य प्रांतों से भी हमारे पास बायोडाटा आते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब। लगभग कितनी संख्या हो रही है मध्य प्रदेश में रजक समाज? मध्य प्रदेश में रजक समाज की जनसंख्या तो 30 लाख के लगभग, जिसमें से संगठन काम करते हैं। हमारा संत श्री गाडगे बाबा रजक समाज सेवा संघ साल में एक कार्यक्रम करता है जो सामाजिक कार्यक्रम है, रजक समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन, जिसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। करीब 1500-2000 के लगभग यहाँ लोग उपस्थित होते हैं। हम सिर्फ यहाँ सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं करते। और मुख्य अतिथि के तौर पर हम विगत 15 वर्षों से विश्वास सारंग जी को यहाँ बुलाते चले आ रहे हैं। पीसी शर्मा जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, रामेश्वर शर्मा जी, ये हम निरंतर बुलाते आए हैं। जो क्षेत्रीय विधायक यहाँ रहते हैं, जैसे पिछली बार उमा शंकर गुप्ता जी थे, उनको बुलाया था। अभी युवक युवती परिवारों का एक मिलन, हाँ, युवक युवतियों का मिलन करवाते हैं यहाँ और यहीं से रिश्ते तय होते हैं। फिर उसके बाद आदर्श सामूहिक विवाह में जाना चाहे। 15वां परिचय सम्मेलन है भोपाल में, निरंतर रूप से कर रहे हैं। बीच में हमने वर्चुअल किया था 2 साल कोविड में ये नहीं कर पाए थे, तो ये तीसरे साल में अभी यहाँ पर। माधव मालवीय संत श्री गाडगे बाबा रजक समाज सेवा संघ एवं नरेश ब्यूरो का कार्यकारी अध्यक्ष। आज हम भोपाल में 15वां शादी योग रजक समाज के युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन करने जा रहे हैं। सफलतापूर्वक ये सम्मेलन संपन्न हो रहा है, चल रहा है और बढ़ चढ़ के हमारे बीच में आज मैं समझता हूँ कि मेरी पत्रिका जो हमारी, हमने 20 तारीख तक जो बायोडेटा रजिस्ट्रेशन के लिए मांगे थे, वो हमारे करीब 250 करीब उसमें हमारे पत्रिका में बायोडेटा युवक के, वो युवकों के प्राप्त हुए थे। और 20 तारीख के बाद में जो हम अभी यहाँ जो भरवा रहे हैं और जो आ रहे हैं, तो नेक्स्ट सम्मेलन में यह हो सकता है हम इसकी सप्लीमेंट्री पत्रिका निकालें, उसमें आएंगे। तो करीब हमारे पास वर्तमान में 350 से लेकर के 400 के बीच अभी तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। ये रजक समाज का सफलता के पूर्वक ये अभियान चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है।
और आप सभी से अनुरोध भी करता हूँ कि समाज के उत्थान के लिए बढ़ चढ़ के, क्योंकि आज हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, कई संस्थाएं ऐसी काम कर रही हैं कि वो आपके घर में फोन लगा देती हैं कि आपके बच्चा बच्ची शादी हो गए तो आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, 5,000 दे दीजिए, 4,000 दे दीजिए, बाद में ना अब आपको बच्चा मिलता है ना बच्ची मिलती है और आप ठगी के शिकार होते हैं। तो आप ऐसी जगह बचें, और जो प्रत्यक्ष में आपके जो कार्यक्रम होते हैं, जो परिचय सम्मेलन होते हैं, मध्य प्रदेश में हो, प्रदेश के बाहर हो, क्योंकि ये राष्ट्रीय सम्मेलन में इसमें करीब 10 प्रदेशों के युवा व्यक्ति और परिजनजन यहाँ पधारे, आप उन सम्मेलनों में जाएँ। ऐसा मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप ऐसी ठगी वाले ऑनलाइन से बचते हुए प्रत्यक्ष में जो सम्मेलन होते हैं उनमें आप जाएँ और अपना बायोडेटा फॉर्म दें और मनपसंद वर वधु चुने, जिससे कि आपको एक घर बैठे एक अच्छा रिश्ता आपको हासिल हो सकता है। मीडिया के माध्यम से आप लोग पधारे, आपके माध्यम से मैं अपनी बात आपके बीच पहुंचा पा रहा हूँ, इसके लिए मीडिया सभी कर्मियों को और मीडिया के जो पत्रकार जन हैं जो यहाँ बैठे हुए आए हुए हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसा ही सहयोग आप लोगों का बना रहे, जिससे कि हम भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम समाज देश में ही नहीं, पूरे प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में कर सकें। धन्यवाद। जय संत गाड़ी के बाबा। जय रजक समाज। रजक समाज आज यह रजक समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन उपस्थित हुए, कार्यक्रम के बारे में बताइए। युवती परिचय सम्मेलन है और यहाँ काफ़ी लोग बाहर से, MP से हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, सभी जगह से यहाँ परिचय सम्मेलन में आई हुई हैं और 300 तो पहले ही बायोडाटा आ चुके थे, वो छुप चुके हैं और अभी बायोडाटा आ भी रहे हैं। सारे बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, प्रदेश का एक अच्छा कार्यक्रम है यहाँ पे, हर साल एक कार्यक्रम। लगभग कितने युवक युवती ने परिचय करवा लिया अपना? अभी करीबन 100 का हो गया है जी, और बायोडाटा 300 के आए थे जी, और अभी चल भी रहा है, अभी चल भी रहा है जी। और वो युवक मुख्य अतिथि के रूप में कौन है? मुख्य अतिथि के रूप में हमारे लखनऊ से अशोक जी महाराज जी आए हुए हैं, हमारे संत समाज के पिता से महाराज जी वो आए हैं।